हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस सीरीज में हम लोग क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज पढ़ाई करते हैं। और आपको बता दें कि अभी हम प्रश्नावली 8.4 में पढ़ाई कर रहे हैं, और इससे पहले हम चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक के सभी क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। तो अगर आप चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक के सभी क्लास को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आपको बता दें कि प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 2 नंबर क्वेश्चन तक कल जो है हम लोग पिछले क्लास में पढ़ाई कर चुके हैं। तो आज का जो आपका क्लास है वो आपको बता दे, प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 3 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है हम लोग आज पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, सभी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। स्टार्ट करते हैं, जो आज का 5 नंबर क्वेश्चन का जो 3 नंबर क्वेश्चन है वहाँ शुरू करेंगे। आप सभी जैसा कि जानते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन में सभी में आपको सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। देख सकते हैं ये LHS है और ये क्या है, RHS है, और आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर है कि नहीं। देखिए क्वेश्चन में तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये दोनों क्या है, बराबर है, लेकिन हम जब आप देखते हैं तो अभी ये दोनों देखने में बराबर एक जैसा नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसे हमने बोल सकते हैं कि ये बराबर है कि नहीं। हम इसको पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तब हम जानेंगे कि ये बराबर है कि नहीं है। तो समझिए इसमें हम लोगों को क्या करना होता है, बाएं तरफ वाले को हम लोग LHS कहते हैं, क्या कहते हैं, LHS, और बराबर के दाहिने जो होता है उसको कहते हैं RHS। तो या तो आप LHS को तोड़ करके RHS प्राप्त कीजिए, या नहीं तो RHS को सॉल्व करके आप क्या कीजिए, LHS प्राप्त कीजिए, तब आप जो है इसको सिद्ध कर पाएंगे, तब आप बोलेंगे कि ये दोनों क्या है, बराबर है। तो हम आपको बताए थे कि या तो आप LHS को तोड़ करके RHS प्राप्त कर लीजिए, या फिर RHS को सॉल्व करके आप जो है LHS प्राप्त कीजिए, लेकिन एक बात हम बताए थे कि जो बड़ा टर्म होगा उसको आपको तोड़ना है। तो देख सकते हैं कि दाहिने तरफ ये जो है 1 - sec θ × cosec θ, ये छोटा है इसके मुकाबले, LHS के मुकाबले। तो हम आपको बताए थे कि बड़ा को तोड़ना है और छोटा को छोड़ना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को जब आप हल करेंगे तो आपको क्या करना है, ठीक है, जब आप इस क्वेश्चन को हल कीजिएगा तो सिंपली आप LHS को जो है तोड़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे LHS से, क्या लिखेंगे, LHS से। LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बराबर के बाएं तरफ से। तो हम लोग LHS से क्या करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे, LHS से शुरू करेंगे। तो LHS में क्या है सबसे पहले उसको आप लोग जो है लिख लेंगे। तो tan थीटा बट्टा 1 + cos θ है, तो हम यहाँ पर जो है लिख लेंगे tan थीटा बट्टा 1 + cot θ, सॉरी 1 - cot θ है, 1 - cot θ है, ये आप देख सकते हैं कि 1 - cot θ। फिर यहाँ पर प्लस है तो हम लोग यहाँ पर प्लस ले लेंगे। फिर देख सकते हैं कि cot θ बट्टा 1 - tan θ है, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, cot θ बट्टा 1 - tan θ, ठीक है, 1 - tan θ। अब इसे सॉल्व करके आपको 1 - 1 + sec θ × cosec θ प्राप्त करना है, तब आप कहेंगे कि ये दोनों क्या है, बराबर है, ये सिद्ध हुआ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, इसको आप जो है समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप जो देख सकते हैं कि देखिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, हम आपको बताए थे, और क्वेश्चन में एक बात लिखा गया है उसको भी आप पढ़ लीजिए, क्या बोला गया है उसको देख लीजिए। देखिए बोला गया है कि व्यंजक को sin θ और cos θ के पदों में लिखिए, मतलब ये जो tan cot दिख रहा है, इसमें आपको tan cot जो दिख रहा है उसको आपको sin और cos में क्या करना है, लिख लेना है, बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, आप सभी को यहाँ पर फॉर्मूला के मदद से आपको ये सब काम करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ये सबसे पहले आप बट्टा ले लीजिए, और देखिए ये बट्टा हमने ले लिया tan θ बराबर, फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, sin θ बट्टा cos θ होता। तो ये जो tan θ है इसके बदले हम लिखेंगे sin θ बट्टा cos θ, क्या लिखेंगे, sin θ बट्टा cos θ बट्टा cos θ, क्या होगा समझिए, ये tan θ को हम लिख लिए क्या, sin θ बट्टा cos θ, क्योंकि tan θ बराबर फॉर्मूला होता है sin θ बट्टा cos θ।
फिर नीचे में यहाँ पर आपको एक दिख रहा है, हम इसको एक बट्टा एक क्या करेंगे लिख लेंगे। फिर बीच में माइनस है तो माइनस ले लेंगे, और ये कॉट थीटा है, ठीक है। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला हो गया यहाँ पर आपका साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, तो कॉट का जस्ट उसका उल्टा होता है, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा हो जाएगा। तो ये जो कॉट थीटा आप देख रहे हैं, इसको हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। इतना लिखने के बाद ये जो बीच में प्लस है इसको हम क्या करेंगे लिख लेंगे। फिर आपको ऊपर कॉट थीटा दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस कॉट थीटा के लिए हमने कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा लिखा है, तो इसके लिए भी हम लोग ये जो कॉट थीटा है ऊपर में, इसके लिए भी हम लोग कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा आपको लिखना है। अब बातों को समझिए कि आखिर आपको करना क्या है। ये जो कॉट थीटा है इसको अपने कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा लिख लिया, नीचे वन है तो ये जो वन है इसको हम वन बट्टे वन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वन बट्टे वन। फिर बीच में माइनस है तो आपको माइनस ले लेना है। और ये जो टेन थीटा दिख रहा है, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक है। अब इतना करने के बाद अगले स्टेप में आपको क्या करना है, चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिए। अगले स्टेप में आप करेंगे क्या, इस बातों को आप ध्यान से पहले समझिए। ऊपर जो भी है अभी ये देखिए, ये मेन बट्टा है, इस मेन बट्टा को सबसे पहले आप जो है लिख लीजिए। लिखने के बाद ऊपर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा है, उसको सेम टू सेम अभी आप क्या करेंगे लिख लेंगे, ठीक है। तो हम ऊपर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, कॉस थीटा लिख लेते हैं। नीचे में देख सकते हैं कि वन बट्टे वन माइनस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, मतलब बट्टा का घटाव यहां पर आपको करना है। तो एक और साइन का एलसीएम आपको लेना होगा, तो चलिए एक और साइन का जब आप एलसीएम लेंगे तो होगा साइन थीटा। क्या होगा, एक और साइन थीटा का एलसीएम, साइन थीटा आपका जो है प्राप्त होगा, ठीक है। क्योंकि एक के साथ किसी का एलसीएम लेते हैं तो उतना ही मिलता है, तो एक और साइन थीटा का एलसीएम क्या हो गया यहाँ पर आपका साइन थीटा हो गया। फिर आपको आगे क्या करना है समझिए, एक से जब आप साइन थीटा में भाग देंगे तो आपको मिलेगा साइन थीटा, और साइन थीटा को इस एक से जब आप गुना करेंगे तो क्या लिखना होगा आपको, साइन थीटा लिखना होगा। क्या लिखना होगा, साइन थीटा, बीच में माइनस है तो माइनस ले लेंगे। फिर साइन थीटा से आप साइन थीटा में भाग देंगे तो एक मिलेगा, और एक को जब आप इस कॉस थीटा से गुना करेंगे तो आपको मिलेगा कॉस थीटा। क्या मिलेगा, कॉस थीटा मिलेगा, ठीक है। फिर बीच में यहाँ पर आपका प्लस है तो आप क्या करेंगे, प्लस ले लेंगे। फिर जो मेन बट्टा है उस मेन बट्टा को आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। लिखने के बाद ऊपर क्या है, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा है, तो ऊपर आपको कॉस थीटा और बट्टा साइन थीटा लिख लेना है, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा लिख लेना है। लिखने के बाद नीचे आप देख सकते हैं कि फिर भी आपसे आपको यहाँ पर बट्टा का घटाव करना है, तो आप बट्टा का घटाव करने जा रहे हैं तो एक बट्टा आप क्या करेंगे, सबसे पहले बट्टा ले लेंगे, ठीक है। बट्टा लेने के बाद एक और कॉस का एलसीएम आपको लेना है, तो एक और कॉस का एलसीएम कॉस थीटा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा लिखने के बाद एक से जब आप कॉस थीटा में भाग दीजिएगा तो कॉस थीटा मिलेगा, कॉस थीटा को एक से इस एक से गुना कीजिएगा तो आपको कॉस थीटा मिलेगा। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे कॉस थीटा, बीच में माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। लिखने के बाद कॉस थीटा से फिर आप इस कॉस थीटा को भाग दीजिएगा तो एक मिलेगा, और एक से साइन थीटा को गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा साइन थीटा। हल्का लंबा जा सकता है लेकिन ध्यान से अगर आप देखते हैं तो आपको 100% समझ में आएगा। चलिए अब आगे आपको क्या करना है, इस स्टेप को आप ध्यान से समझिए और सीखने की कोशिश कीजिए कि आखिर अब आपको अगले स्टेप में क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेन बट्टा है, एक बट्टा ऊपर है और एक बट्टा नीचे है। तो आप सभी को पता होगा कि ऊपर वाले को इसमें बट्टा का मतलब है भाग देना है इस स्टेप से। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को सेम टू सेम लिखेंगे साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। क्या लिखेंगे, साइन थीटा और बट्टे में लिखेंगे कॉस थीटा। क्या लिखना है, कॉस थीटा लिखना है, ठीक है।
और देखिए ये जो बट्टा दिख रहा है, ये बट्टा, बट्टा का अर्थ होता है हमेशा भाग, तो इस भाग को आप क्या करेंगे, गुना में बदलेंगे। और भाग को जैसे ही आप गुना में बदल देते हैं तो आप सभी को पता है कि अगला टर्म क्या होगा, ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब जो साइन थीटा नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऊपर है तो वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ऊपर चला जाएगा साइन थीटा, तो आपको ऊपर लिखना होगा साइन थीटा, क्या लिखना होगा, साइन थीटा लिखना होगा, नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर बीच में यहाँ पर आपको प्लस दिया गया है तो ये आप प्लस क्या करेंगे, लिख लेंगे। और यहाँ भी वही काम करना है, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा को आपको पहले सिम टू सिम क्या करना है, लिख लेना है। तो यहाँ पर हम लोग कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा लिख लेंगे, कॉस थीटा और बट्टे में लिखेंगे साइन थीटा, बट्टे में क्या लिखेंगे, साइन थीटा। फिर ये जो बट्टा है इसको हम गुना के रूप में चेंज कर देंगे, गुना के रूप में चेंज करने के बाद ये कॉस थीटा जाएगा ऊपर तो क्या होगा, कॉस थीटा ही रहेगा, और फिर ये नीचे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आ जाएगा नीचे। अब अगले स्टेप में क्या करना है, ध्यान से आप समझने की इसको कोशिश कीजिए, आपको लग रहा होगा लंबा जा रहा है लेकिन आपको ये नहीं समझना, लंबा आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं लगने वाला है। चलिए अब देखते हैं कि आखिर अगले स्टेप में आप क्या प्राप्त कर पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप इस दोनों को क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए, फिर बीच में प्लस ले लेना है, फिर इस दोनों को क्या कर लेना, आपको गुना करना है। तो जब आप यहाँ साइन को साइन थीटा से, यानी कि साइन थीटा को साइन थीटा से गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो हम यहाँ पर आपको बता दें कि जब आप साइन थीटा को साइन थीटा से गुना करेंगे तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा। फिर नीचे देखिए कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को आपको गुना करना है, तो यहाँ पर आपको इसको गुना के रूप में क्या करना होगा, लिख लेना होगा कॉस थीटा इनटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन थीटा माइनस, ये आपका माइनस है, कॉस थीटा, क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे। ठीक है, और फिर आप इसका कोस्ट क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे। फिर ये बीच में प्लस है तो आप प्लस ले लीजिए, और फिर अगले स्टेप में आप क्या करेंगे समझिए, पहले तो आप बट्टा ले लीजिए। ठीक है, बट्टा लेने के बाद इस कॉस थीटा को कॉस थीटा से गुना कीजिएगा, ऊपर को ऊपर से गुना करते हैं, नीचे को नीचे से गुना करते हैं, तो कॉस थीटा को कॉस थीटा से गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। फिर साइन थीटा से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को आपको गुना करना है। तो यहाँ पर एक बात आप समझने की कोशिश कीजिए कि हम क्या करते हैं, माइनस ले लेते हैं, कॉमन माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये जो आपको टर्म दिख रहा है यहाँ पर हम माइनस अभी भी ले सकते हैं या फिर हम अगले स्टेप में भी ले सकते हैं। चलिए अभी इसको सेम टू सेम लिख लेते हैं। देखिए साइन थीटा इनटू ये जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको लिख लीजिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आप इतना लिखने के बाद अगले स्टेप में आपको क्या करना है सो समझिए, ये जो स्टेप है इसको आप सेम टू सेम अभी क्या कीजिए, लिखिए। तो सेम टू सेम अभी आप इसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा है तो हम ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा क्या करेंगे, लिख देंगे। नीचे में है कॉस थीटा, कॉस थीटा इनटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है तो इसको सेम टू सेम इस तरह से क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब ये जो प्लस है इस प्लस को हम क्या करेंगे सो समझिए, यहाँ पर एक मिनट आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये आपका अभी प्लस है तो हम अभी प्लस ही लिखते हैं, फिर मेन बट्टा है तो बट्टा ले लेंगे, और ऊपर क्या है, ऊपर आप देख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा है तो उसको सेम टू सेम अभी हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऊपर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिए। नीचे भी देखिए आप क्लियरली जो है समझ पा रहे होंगे कि इधर देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और इधर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। इस दोनों कोस्ट को देखिए नीचे वाले, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो हम चाहते हैं कि यहाँ जो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा
तो यहाँ भी हो जाए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इसके लिए आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो क्या होगा, देखिए आप इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो ये साइन थीटा जो है ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। और जैसे ही माइनस आपने यूज कर लिया तो जो कोस्ट के अंदर देख सकते हैं कि कॉस थीटा प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, और ये साइन थीटा जो माइनस में है ये हो जाएगा प्लस में, तो प्लस में हो जाएगा। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं साइन थीटा, और ये कॉस थीटा प्लस में जो है ये चला जाएगा माइनस में कॉस थीटा, माइनस में क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। और फिर आप इसका कोस्ट क्या करेंगे, बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद अब आपको अगले स्टेप में क्या करना है उसको ध्यान से समझिए। काफी यहाँ पर आपको अच्छा कंसेप्ट जो है समझने को जो है मौका मिलेगा। अभी इस बार फिर से बाएं वाले स्टेप को सेम टू सेम आपको लिख लेना है। साइन स्क्वायर थीटा है तो ऊपर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा क्या करेंगे, लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा। नीचे में कॉस थीटा है तो आप लिखेंगे कॉस थीटा, और इनटू में क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो हम लिख लेते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इतना लिखने के बाद अब देखिए ये माइनस और ये प्लस, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहां पर आपको क्या कर लेना है, ये देख सकते इस ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, बीच में अब प्लस नहीं रहेगा माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस माइनस होता है माइनस। फिर से आपको क्या करना है, बट्टा ले लेना है, बट्टा लेने के बाद ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा है तो आप सेम टू सेम कॉस स्क्वायर थीटा जो है लिख लेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा लिखने के बाद अब जो है आपको क्या करना है, इस बातों को जो है आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है। तो देखिए ये जो भी आपका साइन थीटा है तो साइन थीटा आप क्या करेंगे, सेम टू सेम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा लिखने के बाद ये जो आपका साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है इसको आप सेम टू सेम क्या करेंगे, लिख लेंगे। लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, इस बातों को समझिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बट्टा का घटाव कर लेंगे। ये जो आपको दिख रहा है ये स्टेप लास्ट स्टेप, इसको बट्टा का घटाव करना है। तो बट्टा का घटाव करेंगे तो कैसे आपको करना है उस बातों को समझिए। देखिए यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होगा वो एलसीएम को समझना होगा। सबसे पहले तो आप एक क्या करेंगे, बट्टा ले लेंगे। बट्टा लेने के बाद आपको क्या करना है, इस बातों को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए जब आप इसका बट्टा का यहाँ पर देख सकते हैं कि घटाव करेंगे तो नीचे वाले का आपको एलसीएम लेना होगा, एलसीएम यानी कि लघुत्तम लेना होगा। तो लघुत्तम लेने में हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये कॉस और ये साइन है, कॉस और जो साइन है उसका आपको क्या करना है समझिए। कॉस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, क्या होगा ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, उसको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख देते हैं, बात को क्या होगा बराबर होगा। तो हम इसमें लिख लेते हैं क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा को लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, तो ये क्या हो जाएगा दोनों कॉमन हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा एक यहाँ पर आपका कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। लिखने के बाद अब आपको क्या करना, देखिए हम पूछने की इस दोनों का गुना किए हैं, दोनों का गुना किए हैं तो गुना करेंगे तो आपको भी कुछ इस तरह का ही मिलेगा। अब आपको क्या करना है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से जब आप इसको भाग कीजिएगा तो देख सकते हैं कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा साइन थीटा, और इस साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से जब आप गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन क्यू थीटा, क्या होगा साइन क्यू थीटा हो जाएगा। फिर बीच में माइनस है यहाँ पर तो हम लोग क्या करेंगे माइनस ले लेंगे, फिर इससे आपको भाग देना है इसको, तो ये जो साइन दिख रहा है इस साइन से ये साइन क्या होगा कट जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा तो बचेगा क्या कॉस थीटा, और इस कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा को जब आप गुना करेंगे तो आपको मिलेगा कॉस क्यू थीटा, क्या मिलेगा कॉस क्यू थीटा मिलेगा। अब कॉस क्यू थीटा जो मिला अब आप आगे क्या करेंगे इस बातों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, एक फार्मूला जानते होंगे ए क्यू माइनस बी क्यू का, ऊपर देख लीजिए अगर साइन थीटा को आप ए मानते हैं
कॉस थीटा को बी मानते हैं तो ऊपर क्या फॉर्मूला बन रहा है, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं, चूंकि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। ये भी ये क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला है। अगर आप नहीं पहले देखे हैं तो आप इसे याद रखेंगे और इसी फॉर्मूला से आपका यहाँ पर काम बनने वाला है। तो देखिए, ऊपर जो है साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा, इसी को सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूला का आपको जरूरत पड़ेगा। तो इस फॉर्मूला पर जब आप तोड़ेंगे इसको तो क्या मिलेगा, इधर ध्यान से अब आप समझिए। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक बट्टा ले लेना है, ठीक है। ये हम हल्का लंबा सा लेते हैं क्योंकि आपको यहाँ पर लंबा स्टेप करना होगा। बट्टा ले लेंगे, बट्टा लेने के बाद ये क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी होता है। तो ए माइनस बी, ए है साइन थीटा, बी है कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पर आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। तो जब आप ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला पर तोड़िएगा तो ए माइनस बी लेना है, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या लेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लेंगे, ठीक है। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या है, साइन थीटा का जब आप स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। और प्लस बी स्क्वायर है तो बी का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा। और प्लस ए बी है तो ए बी है, तो ए क्या है साइन थीटा, बी क्या है कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा और ये आपका इंटू क्या होगा, कॉस थीटा होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इतना कर कि आप इसको पोस्ट क्लोज करेंगे। तो ऊपर को तो आपने ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला पर सॉल्व कर लिया, नीचे आपको सेम टू सेम अभी वैसा का वैसा ही लिखना है। तो सेम टू सेम लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इधर ध्यान समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसको हम सेम टू सेम लिख लेते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और फिर इंटू में क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हम लिख लेंगे यहां पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इतना करने के बाद ये आपका थीटा है, चलिए इतना करने के बाद आप एक चीज ध्यान से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ भी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ भी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होगा, कट जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तब आपको जो ऊपर बचा उसको और जो नीचे बचा उसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब आपका आंसर बस एक स्टेप में यहाँ पर अब मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, बात ये नहीं कि आप कितना जल्दी बना लेते हैं, बात ये कि आप कितना समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है, इसको अगर देखा जाए यहाँ पर, इसको अगर हम अंडरलाइन कर देते ताकि आपको ज्यादा ही समझ में आ जाए। देखिए साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिला करके आपको क्या दे सकता है, आप सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है। ये जो है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना तक इसका मान होता है वन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, वन होता है। इसका मतलब क्या है सो समझिए। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके लिए आप एक लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक। और फिर क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस में आपको लिख लेना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपको लिख लेना है। लिखने के बाद नीचे में है जो, उसको आप सेम टू सेम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे। तो सेम टू सेम लिखेंगे तो क्या है, नीचे में आप देख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आपका आंसर जो है आराम से मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, यहाँ पर आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए एक बात यहाँ पर आप समझिए, वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के नीचे है ये दोनों, तो हम इसको वन बट्टे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं और प्लस साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, एक के नीचे भी है और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के नीचे भी है,
तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, सो समझिए यहाँ पर आप कैसे इसको लिख सकते हैं, समझिए ये वन है तो इसको हम अलग कर लिए हैं और इसके नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखेंगे। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लस है तो हम यहाँ पर प्लस ले लेंगे, और फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बट्टे में ले लेना होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बातों को समझिए कि यहाँ पर हुआ क्या। देखिए ये जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है वो एक के नीचे भी था और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के नीचे भी था, तो इसीलिए हमने इसको अलग अलग लिख लिया। एक बट्टा साइन थीटा लिख सकते हैं ये, और ये प्लस से इधर अलग और इधर अलग कर लिया। इससे क्या फायदा होगा, यहाँ पर अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ से आपको क्या फायदा मिलने वाला। देखिए ये जो है आप देख सकते हैं कि ये जो आपका मिल रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में जब आप भाग देंगे तो आपको मिलेगा वन, कितना मिलेगा वन, और यही इसका मेन क्या है फायदा है। अब चलिए अगले स्टेप में आपको क्या करना है समझिए, अगले स्टेप में आप क्या करेंगे इस बातों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर अगले स्टेप में भी आपको वही करना है। देखिए ये वन बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो है इसको हम लिखेंगे वन बट्टा साइन थीटा, वन बट्टा साइन थीटा इंटू वन बट्टा कॉस थीटा, वन बट्टा कॉस थीटा, वन बट्टा कॉस थीटा लिखेंगे। अब इससे क्या फायदा होगा आगे आपको समझ में आएगा। प्लस है तो प्लस ले लेंगे, और दाहिने में क्या बच रहा है आपके पास, वन बच रहा है तो ये वन हम यहाँ पर क्या करेंगे लिख लेंगे। अब इससे आपको क्या फायदा, देखिए ये जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा था ये वन के नीचे था और ये भी वन के नीचे था, तो इसको हम अलग अलग कर दिए हैं, वन बट्टा साइन थीटा वन बट्टा कॉस थीटा लिख दिए हैं। इससे आपको फायदा ये मिला कि वन बट्टे साइन थीटा बराबर होता है सेक वन बट्टे साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है, ये जो वन बट्टे साइन थीटा आप देख रहे हैं वन बट्टे साइन थीटा, ये होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है, सी ओ एस ई सी, कॉसेक थीटा होता है। ये बीच में इंटू है तो आप इंटू का साइन यहाँ पर ले लीजिए, साइन वन बट्टे कॉस थीटा जो है वो होता है सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा होता है। प्लस है तो ये आप प्लस ले लेंगे और ये वन लिख लेंगे, और यही आपका आर एच एस है। यही क्या आपका आर एच एस कैसे है, तो समझ लीजिए इसको एक बार ध्यान से। बोलेंगे कि सर आर एच एस में तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा है, तो आप उसके लिए भी टेंशन नहीं लीजिए, देख लीजिए कि आखिर आपके जो आर एच एस है उसमें क्या दिया गया है। ठीक है, चलिए और यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर आपको क्या दिया गया है और किस तरह से आपको सॉल्व करना था। इतना आप जो है बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि दाहिने साइड में क्या है, वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा है, तो इसी के रूप में आपको इसको क्या कर देना है, लिख देना है। तो चलिए लिखने की कोशिश करता हूँ, उसी तरह से आपको लिख देना है, वो भी आपका क्या है एक तरह से सही आंसर ही है। नीचे आ जाते हैं और देखेंगे इसको कैसे आपको फिर से सजा करके लिख देना है। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है, ये वन को पहले ले लिया है तो हम भी वन को क्या करते हैं, पहले ले लेते हैं वन, और वन है, वन था पहले और प्लस था सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो हम उस तरह से लिख देते हैं सेक थीटा कोसेक थीटा, सी ओ एस ई सी कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, ये हो गया आपका आर एच एस। ये क्या है, आर एच एस है, मतलब आपने एल एच एस से चला तो आर एच एस पर आप क्या कर चुके हैं, पहुंच चुके हैं, और ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड मतलब ये सिद्ध हुआ कि आपने जब एल एच एस से चला तो आप कहाँ पहुंच गए, आर एच एस पे, और यही आपको प्रूव्ड करके देना भी था। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब जो है आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अगले क्वेश्चन को, जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका चार होगा वो काफी महत्वपूर्ण होगा और आपको इसे ध्यान से समझने की जरूरत भी है। चलिए देखते हैं, काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, हल्का टाइम लगेगा लेकिन आपको पूरा 100% समझ में आएगा। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर चार में आपको करना क्या है। ठीक है, ये तो यहाँ पर जो है बोला जा रहा है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, लेकिन आप नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको हम एक स्टेप में ही इसको क्लियर करके दिखा सकते हैं। देखिए जब आप क्वेश्चन नंबर चार को हल कीजिएगा तो आपको क्या करना है समझिए, इसको हल करने के लिए आपको क्या करना है, वन प्लस सेक थीटा है, हम चलेंगे कहाँ से, इस बार चलेंगे आर एच एस से। देख सकते हैं कि वन प्लस सेक थीटा मतलब इसको ये भी बोल सकते हैं, तो वन प्लस सेके बट्टा सेके है,
बराबर साइन स्क्वायर ए बटे वन माइनस कॉस ए है, तो इसको आपको प्रूव करना है कि ये दोनों बराबर है कि नहीं। तो इसके लिए आप या तो LHS को सॉल्व करके RHS प्राप्त कीजिए, यानी तो RHS को सॉल्व करके LHS प्राप्त कीजिए। और यहाँ पर देखने में दोनों टर्म बराबर है, तो आप किसी को भी सॉल्व करके किसी पर भी पहुंच सकते हैं। तो हम यहाँ पर अभी तक तो हम LHS से चलते थे, अब चलेंगे RHS से। कहाँ से? RHS से। इस क्वेश्चन में हम RHS से ही क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो लिखेंगे RHS से। तो RHS क्या है आपका, देख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बट्टा वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम सेम टू सेम क्या करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर हल्का बड़ा सा ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, और बट्टे में क्या लेना आपको, वन माइनस कॉस ए। तो वन माइनस कॉस ए आपको यहाँ पर लिख लेना है। वन माइनस कॉस ए जब आप लिखेंगे, फिर अगले स्टेप में आपको क्या करना है समझिए। बट्टा ले लीजिए पहले, तो बट्टा आपको ले लेना जरूरी है। फिर देखिए यहाँ पर कि आखिर अगले स्टेप में आपको करने की क्या जरूरत है। देखिए ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो थीटा का मान यहाँ पर ए लेना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये जो साइन स्क्वायर थीटा था, साइन स्क्वायर ए था, इसको आप लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर नीचे में वन माइनस कॉस ए है, उसको अभी आप सेम टू सेम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वन माइनस कॉस ए। अब अगले स्टेप में क्या करना है इसको समझिए। देखिए हम अगले स्टेप में क्या करते हैं इसको आप ध्यान समझिए। ये जो वन है, इस वन को आप वन का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वन का स्क्वायर। अब वन का स्क्वायर लिखने से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, आपका काम भी बन जाएगा। एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, तो हम एक पर स्क्वायर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे फायदा क्या हो रहा है, अगर एक को आप ए मानते हैं और कॉस ए को अगर आप बी मानते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला आ रहा है, तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं। तो a प्लस बी क्या होगा, 1 प्लस कॉस ए, कॉस ए इंटू वन माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए आप इसको लिख सकते हैं। तो ये जो था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हमने लिख दिया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे में क्या है, 1 माइनस कॉस ए है। तो इसको हम लिख लेंगे 1 माइनस कॉस ए। अब ऐसा करने से क्या फायदा होगा, आप ध्यान से इसको समझिए क्या होगा समझिए। देखिए ये जो है, हल्का कलर चेंज कर देते ताकि आपको डायरेक्टली समझ में आ सके। देखिए ये जो 1 माइनस कॉस ए है, ठीक है, इसको हल्का मिटा लीजिए क्योंकि क्रॉस कर गया। देखिए 1 माइनस कॉस ए जो है, ये क्या करेगा, इस 1 माइनस कॉस ए को कैंसिल कर देगा। तब आपके पास जो बच रहा है वो डायरेक्ट आपको आंसर तक आपको ले जाएगा। देखिए यहाँ पर अब आपके पास बच क्या रहा है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 प्लस कॉस ए बच रहा है, 1 प्लस वन प्लस कॉस ए बच रहा है। अब होगा क्या, इस बातों को समझिए। 1 प्लस कॉस ए को आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए को आप लिख सकते हैं। देखिए ये जो 1 है, ये तो आपका 1 ही रहने दीजिए, ठीक है, या नहीं तो आप इसको 1 बट्टे 1 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो वन आपको दिख रहा है, इसको आप लिख लीजिए वन बट्टे वन। क्या लिखेंगे, वन बट्टे वन। फिर प्लस है तो हम लिख लेंगे प्लस, और कॉस थीटा बराबर होता है वन बट्टा सेक थीटा। क्या होता है, वन बट्टा सेक थीटा, सेक थीटा। तो इस कॉस थीटा को, मतलब कॉस ए को हम लिख सकते हैं वन बट्टा सेक ए। इतना लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे इसको समझिए, बट्टा का जोर कर लीजिए। तो बट्टा का जोर करेंगे तो वन और सेक का एलसीएम क्या होगा, सेक ए होगा, सेक ए होगा। फिर बीच में प्लस है तो आप देखिए इसमें आपको प्लस कर लेना, तो एक से सेक में भाग देंगे तो सेक होगा, सेक को एक से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा सेक, ठीक है, सेक ए। बीच में प्लस है तो प्लस ले लेंगे, सेक ए से सेक ए में भाग दीजिएगा तो एक मिलेगा, और एक को एक से गुना कीजिएगा तो आपको यहाँ पर क्या लेना होगा, एक लेना होगा, ठीक है। अब यही जो है आपका फाइनल क्या है, आंसर है। फाइनल आंसर मतलब इसको हल्का उल्टा करके लिख दिया गया है आंसर में,
क्या लिखा गया आंसर में वो भी आप देख लीजिए कि आखिर इसको किस तरह से लिखा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका आ गया क्वेश्चन, वन प्लस सेक ए बट्टा सेके लिखा है, तो आपको उसी तरह से इसको भी क्या कर लेना है, लिख लेना है। देखिए वन इधर है तो हम लिख लेते वन इधर और प्लस सेक ए इधर, सेक ए और बट्टे सेक ए, सेक ए, इससे क्या होगा समझिए, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप प्लस में दाहिने बाएं आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यही जो है आपका है आरएचएस, यही क्या है, सॉरी यही एलएचएस है, यही है एलएचएस, मतलब आपने आरएचएस से चलना शुरू किया और यहाँ पर आप कहाँ पहुंच चुके हैं, एलएचएस पे पहुंच चुके हैं, तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया मतलब यह सिद्ध हो गया कि एलएचएस और आरएचएस यहाँ पर दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, तो आज का क्लास लंबा ना हो जाए, वीडियो लंबा ना हो जाए, इसके लिए आज इतना ही रोकते हैं, फिर हम लोग कल जो है इससे आगे हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और इसको अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक जो है इस तरह का क्वालिटी क्लास पहुंच सके।